हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बॉडी ब्लॉक। पहले वाला वीडियो मैंने इस ब्लॉक से मेजरमेंट लिया था, उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अब हम बॉडी ब्लॉक बनाएंगे। देखिए, जो हमारी चेस्ट आई थी 41 थी, 41 मैंने डायरेक्ट ब्लाउज से लिया था। मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर आप ब्लाउज से ले रहे हो तो डायरेक्ट उसका हाफ कर दो, और अगर आप बॉडी से ले रहे हो तो उसमें प्लस 3 करो, उसके बाद डिवाइड करना हाफ। ठीक है, तो मैंने ब्लाउज से लिया है तो सिंपल सी बात है, मैं इसका हाफ कर देती हूँ 41 का। तो मेरा ये आता है, तो मेरा आ रहा है 20.5। ठीक है, तो 20.5 को हम पहले इस पर लगा लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए 20.5 तक यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इस बार, आपको पता है कमर लंबाई हमेशा 14 इंचेस ही होती है। ठीक है, जब हम इसे पहन लेते हैं तो ये मेरी 14 कमर लंबाई। वैसे 20.5। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ से भी 14 लेना है हमें कमर लंबाई। अब इसके आगे देखिए, ये मेरा 20.5 था, 20.5 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम 20.5 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना, तो ये हमारा आता है 3 and 3/9। ठीक है, तो हम यहाँ स्टिच करेंगे इसको, हम डिजाइन के लिए ऐसे हम 3 and 3। देखिए 3/9, 1, 2, 3, उसका 6 पार्ट कीजिए, आपका जो आएगा वही लेना। 3 and 3। मेरा हो गया सेम, यहाँ भी हम ऊपर साइड भी सेम ले लेते हैं। अब इसको हम सबको जोड़ लेंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5। इसके बाद देखिए यहाँ से हमें, तो अब हम यहाँ से लेंगे 14 का आधा 7, 7 का आधा 3.5, 3.5 का आधा 2 में 2 कम, 1 में 1 कम। ठीक है, तो अगर आपको ये सब नहीं भी समझ में आ रहा हो तो आप ये मैंने जो बॉडी ब्लॉक बनाया था कटोरी ब्लाउज का, वो साथ में लेके रखिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए, आपको इजीली समझेगा। और तभी भी नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस देखिए, यहाँ से सेम मैंने यहाँ भी वही मेजरमेंट लिया है। अब इसको हम इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे। ठीक है, सेम यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ लिया अच्छे से। इसके बाद हमें देखिए क्या करना है, 1, 2, 3, जो 3 है और ये 4, 3 and 4 बॉक्स में हमें ये स्केल से लेते हुए ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ से एंड ये यहाँ से, उसके बाद यहाँ से हमें देखिए 1 and 2, 1.2, ये 2 हमें सूट एक्स्ट्रा लेना है। इस पे रखते हुए यहाँ से ये हमें यहाँ निशान, यहाँ से हमें 1.5 लेना है। ठीक है, 1.5 मतलब 1 और ये हाफ, यहाँ से ये 1.5 से यहाँ लेते हैं, इसे भी हमें सेम ऐसे ही निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो बीच का पार्ट है, ठीक है, इन दोनों के यहाँ से हाफ इंच ऊपर लेते हुए यहाँ से। ठीक है, इससे पहले हम सेप में ले लेते हैं, यहाँ से हमारा यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो हमने 1 में 1 कम लिया था। ठीक है, उधर हम 1 इंच अंदर रखते हुए यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से 1 इंच। ठीक है, सेम हम यही करेंगे, यहाँ से भी 1 इंच लेंगे।
फिर इसको हम एक शेप दे देंगे, देखिए आराम से दीजिएगा, इसे जोड़ते हुए शेप होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ भी आधे इंच पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, इसको मैं डायरेक्ट भी दिखाती हूँ आपको। इतना हमारा हो गया, देखिए हमने कैसे। फिर हमें शोल्डर, शोल्डर हमने देखिए यहाँ लिया था, शोल्डर हमारा 2.2 था, मतलब ये 2 और 2, तो ये हम यहाँ से लेंगे, इसको हमें छोड़ देना है, इसे हमें यूज नहीं है, यहाँ से हम लेंगे, ठीक है। यहाँ से सेम यहाँ से इसको भी लेना है, तो यहाँ से हम 2.2 पे लेते हुए ये देखिए मेरा यहाँ आ रहा है, सेम यहाँ भी सेम शोल्डर होगा 2.2। उसके बाद हमें ये हमारी स्लीव की हो गई, आगे वाला देखना, ये हमारा आगे का आपको पता है। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे आधे इंच पे, देखिए आधे इंच पे यहाँ इस साइड, ठीक है। सेम नीचे से भी आधे इंच पे इस साइड लेंगे, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ लिया। यहाँ से हमें देखिए 1 में 2 कम, मतलब पौन, तो ये पौने पे हमारा ये लेना है, यहाँ से सेम यहाँ से भी सेम लेना है, इसको हम इससे जोड़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये हमारा आगे का है, ठीक है, ये हमारा आगे का है और ये हमारा पीछे का है। जहाँ से हमने ये 1.2 लिया था वो हमारा हमेशा आगे का होता है, जहाँ से 1.5 लिया था वो हमेशा पीछे का होता है। तो ये हमारा फ्रंट है एंड ये हमारा बैक। तो यहाँ से पहले हमें इसका आगे वाला लेना होगा, आगे वाला हमारा कितना का देखिए, मैंने लिया था हमारा ये 6 था मेजरमेंट के हिसाब से, तो ये हमें यहाँ से रखते हुए ऐसे सेम ऐसे रखिए, ठीक है, जहाँ से ये ख़त्म होता है ये 6 मेरा यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है। इसको हम पहले इस देखिए ऐसे बना लेते हैं, ये मेरा 6 इधर आ रहा है, इसे हम सेव देंगे, ये देखिए ऐसे सेम हमें पीछे आ जाना है। तो हमारा पीछे का पीछे वाला 11 का, 11 हमें लेना है, ये देखिए हमारे 20.5 कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे, तो ये यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए, ठीक है, यहाँ से ऐसे टेप को रखिए, 11 पर रखना है, ठीक है। ये देखिए नीचे से यहाँ से 11 हमारा यहाँ आ रहा है, सेम इसको ही पहले हम सीधे हम खींच लेते हैं यहाँ से, ये इसे हम एक सेव दे देते हैं इसे। अगर कस्टमर को अगर ऐसे गला चाहिए तो ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, अगर उसे गोल चाहिए गला तो इसे सेव दे देंगे। हमने कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ से जो टक्स थी हमारे, हमने बताया था आपको 2.5 इंच से लेना, ठीक है। तो ये कैसे थोड़ा बड़ा गला है, तो आप बड़े गले में थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे भी कर सकते हैं, 3.5 पे ले लीजिए, ठीक है। 3.5 पे मैंने ले लिया है, यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से आधे इंच पे हमें नीचे लेना है, आधे आधे इंच पे, ये आधे इंच है, इसे हमें इसमें जोड़ देना है। तो ये हमारा हो गया, अब हमें यहाँ आना है, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ से मिलता था आपको, यहाँ से लेते हुए सबसे पहले हमें बस्ट देखना है हमारा, बस 10 है, 10 आया था। उसके बाद ये हमारी थी 12 और 2 लाइन, और पूरी लंबाई थी हमारी 50, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है, फिर इसे हमें पहले सीधी लाइन ले लेनी है, उसके बाद हमें यहाँ से आधे इंच पे
इतना ही यहाँ और आधे इंच पे यहाँ, सेम फिर ऐसे लेते हो ठीक है। देखिए ऐसे आधे इंच यहाँ आधे इंच यहाँ, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं ठीक है। आधे इसको हम गोल से दे देंगे, फिर ये जहाँ थी हमारी यो, इसको भी हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं बराबर में। यहाँ से आधे इंच पे, फिर यहाँ से हमें वन इंच, देखिए जहाँ से ये आपने लाइन खींची है आधे इंच पे, यहाँ से वहाँ से हमें लेते हुए यहाँ से एक इंच, यहाँ से एक इंच ठीक है। ये मेरा हो गया, इसको हम इसमें जोड़ लेते हैं, ये देखिए। फिर इसके बाद यहाँ से वन इंच ऊपर लेते हुए ठीक है, वन इंच मैंने यहाँ से ऊपर लिया है, इसको ऐसे तो ये मेरा यहाँ से एक से ठीक है। यहाँ से आधे इंच, यहाँ से आधे इंच लेते हुए स्केल से यहाँ से मिलाइए ठीक है। इसको हम ऐसे जो यहाँ से मैंने आपको बताया था ढाई इंच या दो इंच लेना है, तो मैं ढाई लेती हूँ यहाँ से, मेरा यहाँ तक आता है ढाई इंच। इसे हम सीधे यहाँ तक, ये हमारी थी योग, योग की लंबाई यहाँ तक है, इसको ऐसे लेते हुए यहाँ से हमें डेढ़ इंच लेना है ठीक है। तो मेरा डेढ़ देखिए यहाँ से, ये डेढ़ इंच इसे हम इसमें जोड़ लेते हैं सीधे ठीक है। तो इसे हमें सेप देना है, सेप देने के लिए पहले हमें ये साढ़े सात है, साढ़े सात का आधा होता है चार में दो कम ठीक है। तो चार में दो कम इसका आधा करते हुए इसे आधे इंच पे ऊपर लेते हुए, ये देखिए आधे इंच यहाँ से सेप दे देंगे ठीक है। उसके बाद हमारी पूरी लंबाई कितनी थी, फिफ्टीन। इसे हम जोड़ लेते हैं नीचे तक, पूरा ऐसी लाइन दे दीजिए, इसकी लंबाई कितनी थी, पीछे की लंबाई थर्टीन ठीक है। तो ये हमारी यहाँ से थर्टीन, तो पीछे की लंबाई हमारी थर्टीन है, तो ये देखिए हमारी कम आ गई। इसे हमें ऐसे लेना है, तो मैंने आपको बताया था पीछे की और आगे की लंबाई को हम माइनस करते हैं, आगे की लंबाई हमारी है 15 और ये पीछे की लंबाई है 13, तो हमारा 2 मतलब 2 का डिफरेंट होता है। 2 का डिफरेंट हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से लेते हैं, देखिए 2 का डिफरेंट जितने की हो रही थी यहाँ तक मैंने 2, इसको हम इसके से ऐसे लेते हुए देखिए, तो ये हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। तो ये मेरी कटिंग्स हो गई है, देखिए सारे मैंने कट्स कर लिए हैं। इसके बाद हम स्लीव बनाएंगे, तो हम इसमें स्लीव बनाएंगे, हमारा बचा हुआ पेपर है, इसको पहले हम फोल्ड कर लेते हैं ठीक है। ये हमने फोल्ड कर लिया, इसको फोल्ड कर लीजिए अपनी तरफ। अब देखिए ये होती है हमारी फोल्ड साइड, यहाँ से हम ये हमारी लंबाई, तो लंबाई यहाँ से ले आता है ठीक है। तो लंबाई कितना था हमारा स्लीव का, देखिए 6 था, सॉरी लंबाई हमारी 4.2 मतलब यहाँ तक स्लीव की लंबाई है, तो ये 4.2 तक स्लीव की लंबाई। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई देखिए ये ठीक है। तो हमने जब लिया था ब्लाउज से तो हमारा 6.5 आया था, तो ये मैंने यहाँ तक 6.5 हमारा
उसको पहले हम जोड़ लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ हमारा कितना आएगा 3.5, जबकि ये हमारा ब्लाउज छोटा है, मतलब हम स्लीव हमारी छोटी है ना लंबाई इसकी, तो आप 3 भी ले सकते हो, 1/2 इंचेस यहाँ वहाँ चलता है। देखिए मैंने 3 इंचेस लिया है इसमें, इसको हम यहाँ से जोड़ते हुए इसके बाद हम इसको से लेंगे इसका 7 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो मेरा आता है 2 में 2 कर, ठीक है। तो सब हम 4 में डिवाइड कर दिया इसको, तो देखिए मेरा पूरा एकदम बराबर आ रहा है, ठीक है, 7 को मैंने किया था। इसके बाद हमें यहाँ से जहाँ से हमारा फोल्ड है वहाँ से 1/2 इंचेस लेना है ऊपर साइड, यहाँ भी 1/2 इंचेस, यहाँ से आपको पता है हमें हाफ में दोनों ही कवर करना है, मतलब 2 लाइन नीचे 2 लाइन ऊपर, क्योंकि हाफ में हमारे 4 लाइन होते हैं, तो 2 लाइन नीचे 2 लाइन ऊपर। अब इसे हम पहले सेप दे देते हैं, यहाँ से मैंने इसको सेप दे दिया। अब सेकंड सेप यहाँ से देखते हैं, तो ये मैंने दे दिया है। अब इसकी गोलाई हमें लेनी है, तो गोलाई हमें ली थी जब, तो उसकी गोलाई 6 आई थी, ठीक है, तो 6 ले लेते हैं इसकी, ये देखिए 6 यहाँ तक। अब इसको हम इसे जोड़, तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई, हम कट कर लेते हैं। आई